हेलो एवरीवन, इजी वे में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रेड हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और कि ये जो देख रहे हैं ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो ये हैदराबाद में है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑपरेट की जाती है। ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया तो बाय द वे कभी अगर वैकेंसी आती है परमानेंट जॉब के लिए तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ITI के जितने भी लोग होंगे अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे ईजीवे चैनल पे बने रहना, ठीक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग के लिए ये चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द ट्रेड, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है और आप देख सकते हो 16 ऐसे ट्रेड है ITI के जो लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। अभी फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन और इसके टोटल सीट की संख्या है 30, और इसमें जो डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी वाइज ये देख सकते हैं आप। जनरल के लिए 15 सीट है और EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, CST के लिए 5 और 2 है, ठीक। तो ये आपको डिवाइड करके टोटल सीट दिया हुआ है 30 है, ठीक है। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही बहुत सारा वर्क होता है, तो आप लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट होंगे उनको तो डेफिनेटली ये अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, चूँकि आपको सैलरी भी मिलती है, मतलब उसको स्टाइपन कहते हैं, मंथली वो दी जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें बहाली भी आती ही रहती है, तो अप्रेंटिसशिप कर लेना आप सभी लोग इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 70 सीट है, काफ़ी सीट है इसमें आप सबके लिए। जनरल का 34 है और EWS का 4 है, मतलब 4 है, OBC का 19 है, SC का 11 और ST का 6 है। तो इस तरह से आप ट्रेड वाइज देख रहे हो, फीटर है, RAC है, MMB, टर्नर, मशीनिस्ट जनरल के लिए होगा, जो भी हो आप देख लेना, MMB टूल मेंटेन, कारपेंटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, SMW, वेल्डर और पेंटर। तो यहाँ पे 2 साल का ट्रेड जिनका है उनके लिए भी अच्छा मौका है, और जिनका 1 साल का ट्रेड है, 1 साल के ट्रेड में आपका कारपेंटर आ जाएगा, कोपा, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर और पेंटर, ठीक है। तो इसमें आपका 1 साल का ये कोर्स होता है ITI में। यहाँ पे सीटों की संख्या दी हुई है, तो सारे ट्रेड को अगर मिला के सीटों की संख्या की बात की जाए तो 243 है यहाँ पे, जनरल के लिए 123 है और बाकी लोग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके स्टाइपन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जिनका 2 साल का जो ट्रेड है उनका 8050 रुपये दे रहा है, ठीक है, स्टाइपन 8050 रुपया, और जिनका 1 साल का जो ट्रेड है ITI में उनका 7700 रुपया दे रहा है स्टाइपन के तौर पे। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको स्टाइपन भी अच्छा ही दिया जा रहा है। नीचे हम बात करेंगे एज की, तो आपका एज 18 साल से लेके 25 साल होना चाहिए। तो जनरल वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम 25 साल आपको होना चाहिए, और 18 साल से 25 साल के लोग सबके लिए हैं। यहाँ पे बताया हुआ है रिलैक्सेशन भी आप लोग को दिया जाएगा कुछ, OBC का 28 साल और SC ST का 30 साल दे रखा है, और जनरल वाले जो स्पेशली हैं उनको 25 साल दे रहा है, बाकी में आपको 24 साल देता है लेकिन इसमें 25 साल दे रखा है। अप्रेंटिसशिप पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये 1 साल का होगा, और इसमें बताया हुआ है अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहा है ITI पास सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। मेथड ऑफ सेलेक्शन की बात करें, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, यहाँ पे बता रहा है कि बेसिक मार्क्स बेसिस पे होगा, मतलब आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका सब्जेक्ट ITI जो ट्रेड है आपका उसमें कितना मार्क्स है उस बेसिस पे आपका सेलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे ये भी क्लियर किया हुआ है। नीचे आइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वहाँ का जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है ये एड्रेस दिया हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप का एक पोर्टल है, अभी पोर्टल चेंज हो गया है, पहले दूसरा पोर्टल था, इसको चेंज किया गया है। तो ये पोर्टल है www.apprenticeshipindia.org। तो इसको जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो ECIL का जो आप खुद का एक पोर्टल है उस पे जाने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, और उसका इसका वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ITI इंस्टीट्यूट एक चैनल है हमारा, वहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है ये A to Z चीज़ें बताई जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कर रहे हैं, देखिए तो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन जो होगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जाके देख लेना। और लास्ट डेट है 16/9/2021, यानी कि 16 तारीख तक आपका ये रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। और 16 तारीख तक आप लोग कोशिश करना 16 से पहले ही इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी डेट दे रखा है 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक, यानी 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और बाकी का जिनका सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका जो ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटीज़ है 9-10 को, यानी कि सितंबर के बाद, यानी अक्टूबर 9 तारीख को आपको ये बताया जाएगा। और स्टार्ट जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा वो 15 तारीख से होगा, यानी 15/10/2021 से हो जाएगा, मतलब अक्टूबर में पूरा फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने आपको सारा डिटेल्स बताया है। ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया जो NCBT है, तो ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये फिर से बता देते हैं कि ये बहुत अच्छा कंपनी है, आप सभी को इसमें अप्लाई करना चाहिए। मेरे द्वारा ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट के थ्रू आती है, और वर्क भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच।